हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं विंध्याचल। विंध्याचल एक धार्मिक स्थल है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे, मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, तो अभी मेरा फर्स्ट टाइम है। पहले विंध्याचल की जर्नी नहीं किया हूँ, तो इसकी वजह से मुझे आइडिया नहीं है। तो कई लोग जा रहे हैं, पूरा टीम जा रही है, तो उसकी वजह से मुझे भी इन्फॉर्म हुआ था कि तुम्हें चलना, तो मैं भी जा रहा हूँ। और वहाँ पर सभी मैं वेटिंग में हूँ। और तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं और ये देख सकते हैं, सूरज जैसे हमें रास्ता बता रहा हो, इस तरह की इसकी चमक है। और हम इस समय हाईवे पे चल रहे हैं, आगे माता जी बैठी हैं और मैं बीच वाले सीट पे हूँ। और यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सूर्य की रोशनी दिख रही है, देख लीजिए एकदम लाल माँ दिखती हुई और खेतों में हरियाली। सुराई तो चलते चलते हम अभी आ गए यहाँ पे चौकिया धाम। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर, यहाँ पे एक पोखरा है मेरे पीछे, देख सकते हैं बहुत ही पुरानी शंकर भगवान की प्रतिमा दिख रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने से हमें। सो गाइस, यहाँ का रहा है, ये देखिए यहाँ का कुछ ऐसा व्यूज है और बहुत ही सुंदर यहाँ का सब पोखरा देखने को दिख रहा है और बड़ा सा पोखरा है बीच में, बहुत ही सुंदर आकार। इसका चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं चढ़ने उतरने के लिए। और यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे खड़े हैं, बगल में एंट्री द्वार है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत पहले के बनाए गए थे ये मंदिर। और छोटे छोटे यहाँ पे आपको कई सारे मंदिर दिख जाएंगे। यहाँ पे ऐसी सीढ़ी कुछ बनाई गई है और ऊपर छोटी छोटी प्रतिमा बनाई गई हैं, शंकर गणेश और बहुत सारे लोगों की प्रतिमा बनाई गई हैं। और पोखरे में भी पानी बहुत कम है क्योंकि बरसात जब होता है तभी बरसात का ही पानी इसमें भरा जाता है। और आपको ये ऐसा नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही सुंदर यहाँ का माहौल है, तो आप देखते रहिए। तो गाइस, यहाँ पे छोटा चैम्बर बना दिया गया है जहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा को रखा गया है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को रखा गया है। और यहाँ से एंट्री द्वार है, हम लोग अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं क्योंकि सभी लोग वहीं पर पूजा कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा ऊँचाई से आपको दिखा दूँ थोड़ा यहाँ का नज़ारा, पूरा पोखरे का नज़ारा बहुत सुंदर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट लगे हैं जहाँ पर कि सारे आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सामानें उपलब्ध हो जाएंगी। और गाइस, यहाँ पर आने के बाद एकदम शांति आपको मिलेगी। मैं तो पहले कभी नहीं आया था यहाँ पर और पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो सुकून है वो कहीं नहीं है। बीच में एक पोखरे के बीच में आपको दिख रहा होगा कि एक गुंबद टाइप है जो कि मुझे नहीं पता वो किस लिए है। और इस टाइम हम लोग बहुत ऊंचाई पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो पोखरे के इस पार से उस पार भी मंदिर है, उस पार भी धर्मशालाएं हैं जहाँ पे आदमी रुकते हैं, अपना प्रसाद बनाते हैं और ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे प्रसाद बनाकर खाकर ही जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे कबूतर अपना चर रहे हैं। तो हमें आने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, और यहाँ से जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन अभी हम लोग को जाना है विंध्याचल। तो यहाँ पर से दर्शन करके अब सीधा निकलेंगे। और देख सकते हैं कि आरती अंदर हो रही है, हमें फ़ोन आया था, तो हम लोग अब चल रहे हैं सबके साथ, निकल रहे हैं यहाँ पे। और गाइस, ये हम पहुंच गए अपने गाड़ी के पास, ये है हमारी क्यूआ और जिस इसके बगल में खड़ी है स्कॉर्पियो, और इसके जस्ट उस साइड खड़ी है स्विफ्ट। तो ये हमारी तीनों गाड़ियां हैं जिससे हम लोग आए हैं। तो अब निकल गए हैं रोड पर चलने के लिए, आगे आगे
स्विफ्ट जा रही है, मैं इस समय स्कॉर्पियो हूँ और पीछे क्यूआ है। तो धीरे धीरे निकलते हुए आगे सफर पूरा करते हुए जय माता दी बोलते हुए निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। सो गाइस, अभी तो हम फंस गए हैं जाम में और यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक लगा था जो कि हमें काफ़ी टाइम लगा यहाँ से निकलने में। तो अब हम निकल चुके हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए बिना पीछे देखे हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये हमारी आगे चल के क्यूआ हमको दिख गई, तो इसी को सहारा मान के हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि रास्ता किसी को पता नहीं है, सारे लोगों के मोबाइल में जीपीएस ऑन है। तो आगे बढ़ते हुए जीपीएस का ही सहारा है, अब हम लोग जा रहे हैं। इस समय कुछ ही टाइम के बाद हमें हाईवे मिल गया और हम इस टाइम आ गए हाईवे पे और यहाँ से देख सकते हैं फोर लेन है, बहुत स्पीड से गाड़ी चल निकलती हुई यहाँ से। सो गाइस, तो इस टाइम हम चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है और हम इस टाइम इसी पर चल रहे हैं। ये हमें सीधा पहुंचाएगा मिर्जापुर। सो गाइस, तो हम इस टाइम चढ़ गए हैं पुल पर और यहाँ से पार कर रहे हैं गंगा नदी। यह है सबसे बड़ी नदी गंगा नदी जिसके पुल के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं और अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, सूखी हुई है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र और आप इंतज़ार करते रहिए, वीडियो दो पार्ट में आएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमें इसे दो पार्ट में बनाना पड़ा। थैंक यू।